द प्लेजर सीइंग द एंटायर बोलते ना जिंग बैंग जब भी आते ना अभी लोग फॉर्ड मिस कर रहे हैं हम लोग. मैं जब से कनाडा से आया हूँ वो एक बॉम्बे की जो वो एक लाइफ थी ना कि रात को जाते थे और आप लोगों से मिलते थे और रेड कार्पेट हुआ करता था सब बंद हो गया है. ऐसा लग रहा है कि हम एक गोस्ट टाउन में आ गए. मतलब हमें जब मिलिन सर हमारे बहुत अजीज एक तो ये चीज़ हमारे बहुत करीब में है कि वी एनी वे प्लांट ट्रीज वी एनी वे आर बिग नेचर लवर शी इज़ अ ट्री हगर एंड बिकॉज ऑफ हर दे मेड देम ऑल्सो ट्री हगर्स. एक तो वो बहुत मेजर था कि वी वांट टू कम बिकॉज इट्स अ वेरी समथिंग वेरी क्लोज टू अवर हार्ट एंड सेकंड व्हाट वी वुड हैव गेट टू मीट यू वी गेट टू सी यू नो वी गेट टू सी माइक्स एंड कैमरास. I think it's important to keep bachchon ko is umar se hum sikhaye that you know we have to be responsible for the earth for the environment for trees jitne trees ka nuksan ho jata hai aur kate jate we have to plant more back so we have to do our part and I think if you learn from a young age then you lead by example to other children and you grow to be responsible adults. Absolutely. You know आप है ना भले एक ट्री भी प्लांट करो बहुत फर्क पड़ता है. आई नो मतलब मैं जब छोटा था हमारे एक फार्म हाउस है गांधीनगर में हमने वहाँ पर मैंने और मेरी सिस्टर ने और मेरे कजिन्स ने एक छोटा सा पौधा उगाया था. आज वो एक बरगद का पेड़ बन गया है. उस बात को 25 साल हो गए. वी फील सो गुड व्हेन वी गो टू दैट प्लेस एंड सी दैट यू नो दिस वाज डन बाय अस एंड आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आवर. ऑफकोर्स जो साइक्लोन आया था बॉम्बे में बहुत सारे पेड़ वगैरह उजड़ गए. इट वॉज क्रेजी. आई रिमेंबर आई वॉज नॉट हियर. आई वुड सी ऑल द वीडियोज एंड नॉट ओनली हियर एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि एंड वी जैसे ये ना वी आर अ पेरेंट टू दीज ट्रीज. इफ वी आर द पेरेंट दीज आर देयर सिबलिंग्स. तो ये इनके भाई बहन है. दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू लव ट्रीज टू टेक केयर ऑफ नेचर यू नो टू लव देम लाइक हाउ यू लव योर ओन सिबलिंग. अनुषा जब करंट की हम बात करते हैं वो वैसे ही बहुत सोशल कॉज में भी जुड़े रहते हैं और नेचर को लेके भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं. जब बच्चे साथ में आते हैं तो मैसेज कितना दूर तक जाता है. दे आर एंजॉयिंग इट एवरी शी इज लाइक वॉम वॉम गेटा वॉम दे आर एंजॉयिंग द मूवमेंट. कितनी दूर तक पैगाम जाता है वो चीज़ होती है. बहुत ही सुनता है सी द होल इनिशिएटिव ऑफ मेकर्स ग्रीन अगेन मेगा फाउंडेशन एंड BMC इज टू प्रिजर्व ट्रीज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. दीज आर द फ्यूचर जनरेशन. लास्ट वी हैड रणवीर शौरी's kid हारून. ही कम्स एवरी डे checks out the tree, meets the tree and goes back home. So it's a very beautiful feeling. Matlab tomorrow when these children grow up, they will come back to the same tree and they will see the tree grown with its full branches and flowers and fruits. It's a beautiful feeling. अभी जो कोरोना हुआ है उसमें हमारे पास एक ही प्रॉब्लम था और एक ही चीज़ की शॉर्टेज थी सबसे ज़्यादा, वो थी ऑक्सीजन. ये हमारे लिए फ्री ऑक्सीजन डोनेट करते हैं तो हम क्यों ना इनको वापस दें जो हमें मतलब नेचर ने इतना कुछ दिया है. वी नीड टू गिव इट बैक टू देम. And I'm very happy that Vishwas Mote ji ka jo thought tha along with us and Shan of Vriksh to get this thought across to bring trees back and to have adoptees to come. Today we have the principal of our college, sir, here. He has adopted these two trees. He has adopted so many children from the college. I think this is one more great thing, sir. Sir, please, can you say a few words? And little louder. Thoda sa sir. Okay, we just go ahead. Tree plantation is an important activity nowadays. Okay, guys. Say something? What are we doing here? What did we do? Planting trees. Why? Oh, the trees are a family. That's right. Yeah. That's right. So exactly, ये बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि ये हमारी family है. You know, हम ये हमसे दूर नहीं है. you know, उधर पढ़ाते दीवार के पहली बार पढ़ाते वही पढ़ाते हैं. एंड सिंस ये लोग दो साल से ही हम लोग जैसे हम इन्वॉल्व होते हैं कुछ भी सोशल कॉज होता है कुछ भी होता है हम इनको साथ में लेके जाते हैं. तो इनको एक दिमाग में ऐसा होता है कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं. ये पूछते भी कि व्हाट आर वी डूइंग व्हाई डिड वी गो हियर व्हाट डू वी डू. जैसे बीच क्लीन अप्स हुए प्लांटिंग ट्रीज हुए हम लोग वहाँ पर भी कनाडा भी जाते हैं वहाँ पर भी हम लोग ट्रीज प्लांट करते हैं वहाँ पर भी हम लोग नेचर के साथ इन लोग को लेकर जाते हैं इनको बताते हैं सब अबाउट द एनवायरनमेंट एंड ऑल अबाउट व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड दे सच अ यंग एज दे आस्क सच इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाइक
it was so funny, but do the trees have a heartbeat? Yeah, do the trees have a heartbeat?